ये किसी इंसान को अगर हाथ में बाइट कर दे, पैर में बाइट कर दे, तो आप लोग क्या करें? और जिसको अभी मार मैदान में चासी भाई लोग काम जो करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर किसी इंसान को बाइट कर देगा तो आपने कभी भी पैदल ना चले, ना दौड़े, ना आप चले, चुस स्थानीय भाव बैठे एकदम आराम से आप बैठ जाइएगा स्थान भाव देख के। लेकिन कोई इंसान को अगर मोबाइल हो तो किसी को कॉल कर दीजिए कि मैं हमको सावधान से हुआ, डरने का कोई बात नहीं है, आप ना चले ना घबराए, आप पेशेंट का ना घबराने दें, अपना सीधा सदर हॉस्पिटल का सहारा लेना। उसको चलने से दिक्कत होगा, जितना चलेगा उतना उसका प्रॉब्लम, लेकिन कभी भी उसको पैदल नहीं चलने दीजिएगा। और जिस इंसान को अगर पैर में बाइट कर देगा, हाथ में बाइट कर देगा, तो देखिए यही इसको कस के बंधा नहीं है, इसको ऐसे ही खाली लपटाना है। जो क्रैप बैंडेज बात देखिए, हाथ में काटेगा ऐसे लपटाना है, इसको ऐसे ही लपटाना है, ज़्यादा टाइट करके नहीं, और हाथ को इसी तरह रहने दीजिएगा। ऐसे अगर हाथ में बाइट करेगा तो, और मान लीजिए पैर में बाइट करेगा, पैर में इसी इंसान में बाइट कर दिया, तो ये जो लकड़ी है, ये कोई छोटा सा लकड़ी ले लीजिएगा, यही में यही लकड़ी को ऐसे माप करके दे दीजिएगा, और इसी तरह बांधिएगा पैर में आराम से, साट होके स्टिंग के ऐसे ही ऐसे बांधना है, ऐसे ऐसे पूरा लपटा के देना है पैर में। तो इसमें क्या होगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन भी धीरे धीरे हो जाएगा, ब्लड यानी कि आपका वेनम भी ज़्यादा स्प्रेड नहीं जाएगा उसके शरीर पे, वो आदमी सुस्त रहेगा और अच्छा होगा। लेकिन आप लोग वक्त वही बिताते हैं ज़्यादा, आप लोग ओझा के पास जाते हैं, ओझा के पास कभी मत जाइए। अगर जाना ही है आपको सीधा सदर हॉस्पिटल जाइए, आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है, हर सदर हॉस्पिटल में हम लोग का एंटी वेनम उपलब्ध है। आप जहाँ भी जाइएगा जिस हॉस्पिटल में वही उसको एंटी वेनम दिया जाता है, कोई भी सांप काटे। लेकिन आप लोग वही लापरवाही करते हैं कि ओझा के पास चल जाते हैं, वही आदमी तब मतलब नहीं बचता है। तो इसलिए आप लोग का ही अनुरोधन है मेरा, कभी भी ओझा के पास मत जाइए, सांप दर्शन हुआ आप सीधा चला जाइए सदर हॉस्पिटल, बस कटिंग।